के सीतामढ़ी जिला स्थित भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अचानक नेपाली सेना द्वारा की गई फायरिंग से पूरा प्रशासनिक विभाग सकते में आ गया है। घटना सोनबरसा थाना क्षेत्र के पिपरा परसाइन पंचायत अंतर्गत आने वाले लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है, जहां खेत में काम करने गए मजदूरों पर अचानक नेपाल के शस्त्र पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी हैं। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए शहर लाया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए इस मामले में सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार ने क्या कहा है। आज सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में सोमवरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर के क्रॉस जो नेपाल का इलाका है उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो एसपीएफ है उसके बीच में झड़प हुई है, जिसमें नेपाल के एसपीएफ के द्वारा जो फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति जितेश राय की मृत्यु हुई है, दो अन्य घायल हैं। घायल का इलाज किया जा रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। और इसमें वहाँ पे एसएसबी और जिले के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जाँच कर रहे हैं, पूरी विस्तृत रूप से पुलिस के बारे में। अभी क्या हालात है? एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उधर खींच लिया गया है नेपाली पुलिस। एक व्यक्ति के को उधर से डिटेन करने के लिए आ रही है, इस संबंध में जो भी लीगल एक्शन है लेगी। अभी क्या हालात है सर? अभी सामान्य है वहाँ पे। क्या रीजन लग रहा है? वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। था डंटा, जब डंटा लगा दिया तो इधर से बोला कि सड़क मार जाओ, बोला इधर से आदमी, इसके बाद उसका गोली चलाने लगा। कहाँ घटना घटा ये? वो दरबार से उत्तर है बॉर्डर पर। कहाँ बॉर्डर कहाँ है? सोनबरसा जानकी नगर और हलमाल नगर है ना, सोनबरसा में नहीं, आगे सहोरबा लगर। अच्छा, तो वहाँ क्या बॉर्डर है? थाना के अंतर्गत बॉर्डर। विवाद हुआ तो क्या हुआ? विवाद हुए वही, मतलब विवाद हुआ, हम तो घर पर थे, घर से नहीं सुनने में आया कि कोई बच्चे बोलने से विवाद हो गया तो मार बैठा। कौन मार बैठा? पुलिस नेपाल वाला गोली चलाने लगा। हाँ, तो बाद में बोला कि सब बोला कि पकड़ो जाओ, मारता है तब गोली चलाने। कितना फायरिंग किया वो लोग? 17 फायरिंग हुआ। तो कितने लोग घायल हुए? सर 5 को हुआ है, 5 को रखे, 4 को। किसी की मौत भी हुई है? हाँ, मौत हो गया है, वो सोनबरसा में आकर के आयो के तो घींच कर ले गया नेपाल में। अच्छा, जिसको ले गया वो घायल था? हाँ, घायल था। अच्छा, इसका बाद में वो यहाँ लाया है कि वो थूना में लगा है, आइए वो के बाह में लगा है, वो कहीं लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाली सेना के गोलीबारी में जानकी नगर टोले लालबंदी निवासी नागेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र डिकेश कुमार की मौत हो गई है, जबकि विनोद राम के पुत्र उमेश राम के दाहिना भा में गोली लगी है, जबकि सहोरबा निवासी बिंदेश्वर ठाकुर के पुत्र उदय ठाकुर को दाएं जांघ में गोली लगी है। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया है। वहीं नेपाली पुलिस ने गांव के वशिष्ठ राय के पुत्र लगन राय को अपने कब्जे में रखा है। अब उन्हें गोली लगी है अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं। फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय एसएसबी और स्थानीय पुलिस लालबंदी दोनों बॉर्डर पर डटी हुई हैं, तो वहीं नारायणपुर बॉर्डर पर नेपाली सेना ने अपना डेरा डाला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।